तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी का एक कमाल का फीचर, या बोल सकते हैं कमाल का एक हिडन फीचर, या आप बोल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी में जो सैमसंग कीवर्ड होता है उसके अंदर का एक कमाल का हिडन फीचर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही यूजफुल है डेली लाइफ के लिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्या ये फीचर है, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ पूरा फुल डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का या सैमसंग कीबोर्ड का कमाल का फीचर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ सैमसंग नोट्स में, ताकि पहले आपको उसको क्लियरली समझा चुकूँ और बाद में बताऊंगा कि कैसे अपन उसको इनेबल कर पाएंगे। तो मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पर नोट्स के अंदर। अब नोट्स में जाने के बाद मैंने यहाँ पर कोई सा भी एक प्लेन पेज यहाँ पर को ओपन कर लिया। अब प्लेन पेज ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ माई नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया सनी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमेशा माय नेम लिखते हैं तो माय नेम इज़ आता है इन अ ग्रामरिकल फॉर्मेट में। आपने देखा जैसा कि मैंने यहाँ गलत लिखा है, तो आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा होगा। जैसे ही मैं ग्रीन कलर के डॉट में क्लिक करूँगा, वहाँ पर नीचे आएगा रिव्यू, एक सजेशन करके आपको एक रिव्यू का वहाँ पर नीचे एक मैसेज मिल रहा है। जैसे ही मैं रिव्यू वन राइटिंग पर क्लिक करूँगा, वहाँ पर आपको बता देगा कि वहाँ पर आपको करेक्शन करना है, और सिलेक्शन भी कर लिया उसने कहाँ करेक्शन करना है, और नीचे बता भी रहा है कि इसके अंदर इस सनी लिख के आने वाला है। देयर मे बी द ग्रामेटिकल इशूज इन दिस सेंटेंस, कंसिडर रिप्लेसिंग इस। आपको इस सनी पे क्लिक कर देना है और वो वहाँ पर ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। तो ये ग्रामिकल और आपका ग्रामिकल और स्पेलिंग मिस्टेक में आपका ये काम करता है। तो ये एक्चुअल में कैसे करेगा, एक और चीज़ और लिख के बताऊँ। जैसा कि मैं लिखूँ यहाँ पर हु आर यू, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने हु आर में आर की स्पेलिंग गलत लिखी है और ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, तब ऑटोमेटिक वहां पर फिर ग्रीन लाइट डॉट हो गई है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है ग्रीन लाइन में, आप फिर देखेंगे रिव्यू लिखा हुआ है टू राइटिंग सेंटेंस। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि सनी, पहले तो आपको यहाँ पर बिग में लिखना है, आपने सोल में लिखा, आप उसको बड़ा कर लीजिए। उसके नीचे बता देगा कि आर आपने वहां पर ए आर आर ही होता है, तो आपको उसको आर क्लिक करें। तो जैसे ही मैं आर पे क्लिक करूंगा फिर वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है। जहां जहां उसको ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक लगेगी वो आपको खुद ही सजेशन करके बताने वाला है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। जैसे कि मैं लिखूं आई वांट गो टू, ठीक है, अब मैंने लिखा आई वॉन्ट गो टू, ये गलत लिखा है। फिर वहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा होगा। जैसे ही आप ग्रीन कलर के डॉट में जाऊँगा फिर आपको बता देगा रिव्यू वन सजेशन में कि ये टू गो होता है, आपने गलत लिखा है। तो आप जैसे ही करेंगे तो ये इस तरीके से फीचर काम करता है ग्रामिकली और स्पेलिंग मिस्टेक में आपका ये काम करेगा। कहीं पे ही हो, चाहे व्हाट्सअप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे आप कहीं भी यूज़ करेंगे, सब में ये फीचर काम करेगा। तो उसको इनेबल कैसे करें, तो उसको इनेबल करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है जनरल सेटिंग पे, या बोल सकते हैं जनरल मैनेजमेंट में चले जाना है। जनरल मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको जाना है सैमसंग कीबोर्ड में। सैमसंग कीबोर्ड में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ मिलेगा यहाँ पर थर्ड पार्टी मिलेगा, सेलेक्ट थर्ड पार्टी कंटेंट टू यूज़ में जाना है और वहाँ पर ग्रामिकल को आपको ऑन कर लेना है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपना कंटेंट या अपना काम करना फीचर चालू कर देगा। तो बहुत ही शानदार फीचर है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू, ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट करके भी बता सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आप सबके पहले आपको मिलती रहे।